भारत की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक हर जगह और चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। इन लाइफ सेफर्स को अलग अलग सेना की शक्तियों में कैटेगराइज्ड किया गया है। इनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। आर्मी को थल सेना, नेवी को जल सेना और एयरफोर्स को वायु सेना कहा जाता है। देखा जाए तो यह तीनों ही फोर्सेज हमारी सुरक्षा के लिए जी तोड़ कर मेहनत करती हैं। लेकिन कुछ अलग तरह की डिवाइस हैं जो कि सिर्फ नेवी ही यूज करती हैं। उस स्पेशल डिवाइस का नाम है पनडुब्बी यानी सबमरीन। इस डिवाइस में नाविक या फिर सैनिक कई कई दिनों तक धरती के जीवन से दूर पानी के अंदर रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव है देश के सैनिकों के द्वारा किए जाने वाले हार्डवर्क को दुनिया के सामने दिखाना, ताकि हम लोग सैनिकों के लिए और ज्यादा सपोर्टिव बन सकें। इसलिए सैनिकों के जज्बे को बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के नौ सैनिक देश की सुरक्षा के लिए दो अलग अलग जगह से काम करते हैं। पहले लेवल में ये देश को पानी के ऊपर रहकर सर्विस देते हैं, तो दूसरा यह देश को समुद्र में वाटर लेवल के 1000 फीट नीचे रहते हुए सर्विस देते हैं। इन सर्विसेज के लिए सैनिकों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको टफ कंपटीशन से गुजर कर निकलना पड़ता है। इस कंपटीशन को क्लियर करने वाले सैनिक ही इन सर्विसेज के लिए चुने जाते हैं। सिलेक्शन के बाद इनको नौ सैनिक के तौर पर अलग अलग ड्यूटीज सौंप दी जाती हैं। नौ सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभार तो लगातार 45 दिन तक ये मिशन चलता रहता है। इनके परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती है। परिवार को ये भी नहीं पता होता कि वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। इनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के हेड ऑफिस को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब ये पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता। उनकी लाइफ मुश्किल हो भी क्यों ना, आखिर किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक हथियार उस देश की पनडुब्बी ही होती है। इन पनडुब्बियों की खासियत ये है कि इनमें कुछ बड़े हथियार और मिसाइल्स मौजूद होती हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान को यही लगता है कि जो भी लोग इन पनडुब्बियों में सवार होते हैं शायद उनको कुछ स्पेशल सेवाएं मिलती हैं। पर उन सब लोगों की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हम ये बता दें कि इन नौ सैनिकों को कई दिनों के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है। उस पूरे समय ये सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं। नौ सैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 या 4 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौ सैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना यहाँ सख्त मना होता है, इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं, उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। पनडुब्बी के अंदर सनलाइट का कोई भी सोर्स नहीं होता है। इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो बाहर आते वक्त नौ सैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनके कपड़े एक ही तरीके के होते हैं और ये कपड़े डिस्पोजेबल होते हैं। इसके लिए भी एक खास रीजन है, क्योंकि इन कपड़ों के ऊपर स्पेशल केमिकल लगा होता है जो इन नौ सैनिकों को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन और एलर्जी से दूर रखने के लिए हाइजीन मेंटेन रखने में हेल्प करता है। बाहर से बड़ी दिखने वाली पनडुब्बी के अंदर सोने के लिए सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं। वहां का टेम्परेचर गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौ सैनिक वहां भी सोने जाते हैं। लेकिन जहां ये सोते हैं वहां भी मिसाइल्स और टारपीडो रखे होते हैं। ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी होती है। पनडुब्बी के अंदर स्लीपिंग टाइम्स भी शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ज्यादा जगह ना होने की वजह से उनको ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पानी में चलते समय पनडुब्बी बहुत ज्यादा आवाज करती है, इसलिए नौसैनिकों को अपने कानों का ध्यान रखने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पनडुब्बी में जाते समय कुछ लिमिटेड अमाउंट का फूड ही कैरी किया जा सकता है, इसलिए खाने पीने के सामान का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाते समय कम आग और मिर्च मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सबमरीन में ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए नौसैनिकों को लिमिटेड और सादा भोजन ही खाने को मिलता है। ऐसी टफ सिचुएशन का सामना करते हुए भी ये हमारे सैनिक कभी भी अपने फर्ज से नहीं चूकते।
ये लोग हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। इनकी इस सेवा भाव को देखते हुए हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम इनके स्ट्रॉन्ग जज्बे की रिस्पेक्ट करें और इनको सलाम करें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कुछ इससे जानकारी मिली है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।